दोस्तों, एक समस्या ऐसी है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है और जिससे सभी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, और बहुत से फॉलोवर उसके लिए मैसेज भी करते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कह लीजिए कब्ज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थ नॉलेज इंडिया पर, और आज हमारे साथ वैद्य जगजीत सिंह खुद साक्षात मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। सर, ये जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन कह लें, ये इतनी गंभीर समस्या भी कहा जा सकता है, लेकिन लोग इसको लाइटली भी लेते हैं, क्या इसी से सभी प्रॉब्लम जुड़ी होती हैं? सबसे पहले सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। ऐसा है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बिबंधता, ये सब इसके पर्यायवाची नेम है। शास्त्रों में भी लिखा है, जनरली भी लोग कहते हैं कि कब्ज का होना मीन्स बहुत बीमारियों का पैदा होना। कब्ज जो है ये हमारी आंख पर जब ड्राइनेस हो जाती है, ये टॉक्सिक है बॉडी का। अगर टॉक्सिक प्रॉपर नहीं निकलेगा तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। जैसे भूख खाना जरूरी है, ऐसे बॉडी का जो टॉक्सिक है पसीने राही, मल राही, मूत्र राही, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ड्राइनेस हो जाएगी आँख में, मोशन खुलकर नहीं आएगा, तो बहुत सारी वायु रोग, बहुत सारे ऐसे रोग जो कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलते, वो होने शुरू हो जाते हैं। सर, क्या कॉन्स्टिपेशन है क्या असल में? क्या सिर्फ मोशन का ठीक से ना आना कॉन्स्टिपेशन? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है। जनरली लोग ये कहते हैं कि मोशन का ना आना या मोशन का बहुत हार्ड आना कॉन्स्टिपेशन है। नहीं, पेट का सुबह उठते ही एक बार, 4 से 5 मिनट में एक बार साफ होना मींस कॉन्स्टिपेशन नहीं है। जिनको एक बार सुबह उठते ही मोशन जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, फिर आधे घंटे बाद चाय पी फिर जाना पड़ता है, फिर 2 घंटे बाद जाना पड़ता है, वो कॉन्स्टिपेशन ही है। मतलब एक बार में पेट साफ नहीं। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, हम जनरली पेशेंट को पूछते हैं, ये नब्ज देखकर या उसके चेहरे को देखकर, स्पर्श दर्शन, चक्षु दर्शन, दर्शन परीक्षा से हम अगर पेशेंट को पूछते हैं ना भी आपको कब्ज है, वो कहते ना जी कब्ज तो मेरे को है ही नहीं, मैं तो 2-3 बार जाता हूँ, तो हमारे को उनको समझाना पड़ता है कि वो 2-3 बार जाना भी कॉन्स्टिपेशन है। सर, इतने सेलिब्रिटीज़ की मैं देख रहा हूँ सामने फ़ोटो लगी हुई है, मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाएं, अगर बात की जाए हमारे पूर्व रेल मंत्री हो गए या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड के भी हैं, चाहे मैं बात करूँ बॉलीवुड के भी हैं, यहाँ पर आते रहते हैं, बात करें जस्सी गिल की, कुलवीर जस्सर साहब की, उधर जस्सी गिल, सभी लगे हुए हैं। तो सर, इतने सेलिब्रिटीज़ भी आपके पास आते हैं, एक विश्वास ही होगा? देखो, ये तो बहुत कम है, ये तो दीवार कम पड़ गई, ये अब तो हमारे सारे मित्रगण फैमिली मेम्बर बन गए हैं। इस जब ये आए थे तो एज ए पेशेंट ही हमारे पास आए थे। अब दिलेर भाजी हमारे पता नहीं कितने पुराने मित्र हैं, हमारे एक तरह से फैमिली मेम्बर हैं, जब भी इधर आएंगे चंडीगढ़ की तरफ वो हमारे को मिलकर जाते हैं, और इनको जो आयुर्वेद के चूर्ण हैं जहाँ आयुर्वेद की गैस, इनको गैस वगैरह की कई बार प्रॉब्लम होती है, तो इनको आयुर्वेद की जो मेडिसिन जो हम खुद बनाते हैं बहुत इफेक्टिव है, और इनको बहुत काम आती है, और इनको आयुर्वेद में और नेचुरल ट्रीटमेंट में बहुत विश्वास है। ऐसे जितने भी ये जसवंत भाई साहब हैं या और भी जितने भी बच्चे आप देख रहे हो, ये सब अपने अपने उपचार के लिए टाइम टू टाइम आते रहते हैं। सर, एक चीज़ और बता दीजिए मुझे, ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसका निदान कैसे होगा, परमानेंट निदान कैसे होगा? परमानेंट इसका ट्रीटमेंट इसलिए होगा जी, जब आप अपनी आंत को उतना ही खाओगे जितना आपको पच सके, आपके आम का पाचन ठीक होने लग जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन हो जाए ना, वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लैक्सेटिव लेकर, ये सब गोड़ या कुछ लेकर कहते हैं ठीक है अब पेट साफ हो गया। जब तक आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, जब तक आंत की लुब्रिकेशन सही नहीं होगी, तब तक आपकी कॉन्स्टिपेशन सही नहीं होगी। तो आपको अगर इसको क्योर करना है, टेम्प्रेरी मैनेजमेंट नहीं करना, तो आपको अपने खाने को, हाजमे को, डाइजेशन को ठीक रखना पड़ेगा, तो कॉन्स्टिपेशन जड़ से ही ठीक हो जाएगी। आपको कोई वायु रोग, कोई जोड़ों का दर्द, कोई ऐसा रोग नहीं होगा जो कॉन्स्टिपेशन जिसका कारण हो। सर, अगर बात की जाए कॉन्स्टिपेशन की, इससे कौन कौन सी बीमारियां, गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं? अरे गंभीर, इसमें मैं आपको बताया गाउट, अर्थराइटिस, जितने वायु रोग हैं, कंधों में दर्द, पूरी बॉडी में बॉडी एक, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इनडाइजेशन, नौजिया, एनरेक्सिया, लिवर की प्रॉब्लम,
बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, और फिर जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें पाइल्स भी आता है, जिसको बवासीर बोल देते हैं, बघंदर, फिस्टूला, ये सब कॉन्स्टिपेशन के कारण से होते हैं। दोस्तों मेरे साथ वैद्य जगजीत सिंह जी मौजूद थे, और कॉन्स्टिपेशन पे इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि मेरे चैनल पर भी आपको किसी ने बताया होगा। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो चंडीगढ़ आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर पर आके आप अपना सफल उपचार करा सकते हैं। नंबर आपकी फ़ोन स्क्रीन पर चल रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि जब भी आएँ फ़ोन करके ही आएँ। धन्यवाद।